हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा होगा। तो मैं डोनट्स बना रही थी, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप ऑफ मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदे को मैं अच्छे से छान के रख ली हूँ और साथ में मैं 1 कप दूध को अच्छे से बॉईल करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। ज़्यादा ठंडा नहीं, मीडियम गर्म होना चाहिए दूध। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर 2 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ले रही हूँ, और 2 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट ले रही हूँ। और साथ में यहाँ हमें चाहिए होगा 1 अंडा, और साथ में हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बटर, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैं वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉरी, वॉइस ओवर देने के टाइम पे ईज़ान आ गया था तो उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिली है। फिर कोई बात नहीं, चलिए अब हम अपना जो प्रोसेस है कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बाउल में दूध। दूध में हमें पहले शुगर, ईस्ट और अंडा, इन सबको अच्छे से मिला लेना होगा। मिला के इसको थोड़ी देर यानी 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इन सबको मिलाने के बाद इसको अच्छे से फेंटना होगा हमें। दस मिनट के बाद जो है यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ। मैदे को मैं इसमें मिक्स करूँगी और साथ में जो मेरा नमक था उस नमक को मैं अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोगों को मैदा थोड़ा कम लग रहा हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैं ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा मैदा ऐड की। आटे को हमें यहाँ अच्छे से गूंदना है। मैं यहाँ पे अच्छे से आटे को गूंदने के बाद इसमें बटर ऐड करूँगी, ताकि मेरा आटे में जो है सॉफ्टनेस बहुत ही अच्छी आ सके। बटर को ऐड करने के बाद मैं इसको और भी अच्छे से गूंद लूँगी, तब तक मेरा आटा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, अब मेरा आटा जो है बहुत ही अच्छा हो गया है। इस तरह से खींचने पर इस तरह से होना चाहिए। देखिए, अब मेरा आटा जो है बिल्कुल भी रेडी है। मैं यहाँ पे आटे को ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के इसको छोड़ दूंगी। अब 1 आवर तक के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। 1 आवर के बाद जो है मेरा आटा अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ मैं एक कपड़े से इसको अच्छे से कवर करके रख रही हूँ, ताकि मेरा आटा जो है अच्छे से फूल सके, बाहर से हवा कोई भी इसके अंदर ना जा सके। तो इसे अच्छे से कवर करना है। अब 1 घंटा हो गया था, देखिए मेरा आटा कितना अच्छे से फूल गया है। अब मैं टच करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस अब हमें इसे नॉर्मल कंडीशन में ला लेना होगा। थोड़ा सा इसको हमें ऊपर से इसको हल्के हाथों से इसको फिर से हमें टच देना होगा।
उसी आटे में से एक छोटा सा पोर्शन मैं लेके इसको रोटी की तरह बेल रही हूँ। यहाँ पे हमें ज़्यादा पतली टाइप नहीं करना है, मोटी रोटी ही बनाना है। लेकिन मैं जो फर्स्ट में बनाई थी वो थोड़ी पतली ही बना दी थी, तो उस वजह से जो मेरे डोनट्स है थोड़े उस शेप में पतले से लग रहे थे। उसके बाद जो है मैं सेकेंड रोटी जो बनाई थी वो मोटी वाली ही बनाई थी। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट रोटी जो बेली हूँ उसके यहाँ पे मैं डोनट का शेप देने जा रही हूँ। आप कोई भी किसी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लिड ले रही हूँ यानी ढक्कन, इससे मैं यहाँ पे डोनट का शेप दूंगी। अगर आप लोगों के पास डोनट कटर हो तो आप उससे भी शेप दे सकते हो, या फिर पानी का ग्लास जो है उससे भी आप शेप दे सकते हो। लेकिन डोनट में जो सेंटर वाला जो था उसका शेप जो मैं यहाँ पे कुछ मुझे मिला तो उससे कर रही थी, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा हो गया था तो ये उतने प्रॉपर नहीं बने। मैं सेकंड में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे सेकंड रोटी में जो मैं शेप बनाई हूँ वो थोड़े बहुत ही अच्छे थे, ये डोनट के शेप नहीं लग रहे थे उतना। मुझे कोई प्रॉपर नहीं मिला जो मुझे सेंटर में उसका शेप देने के लिए। तो यहाँ मैं सेकेंड रोटी बना रही हूँ, इसको मैं थोड़ी सी मोटी ही बनाई थी। अब मैं इसमें आपको शेप दिखाऊंगी। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं कुकर की जो सीटी रहती है उससे सेंटर में शेप देने लग गई। बस उसका शेप जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, जो डोनट का सेंटर में जो शेप आता है इस तरह से हमें बस उसको एक होल करना है वहाँ से। अब बारी है डोनट्स को फ्राई करने की। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि तेल जो है ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा तेल अच्छे से गर्म होने के बाद उसे मीडियम टू लो फ्लेम में रख के उसमें हमें डोनट्स को छोड़ना होगा। जैसे ही हम डोनट्स को छोड़ेंगे तब डोनट्स जो है वाइट कलर में टर्न हो जाएंगे, ना कि रेड कलर में। अगर रेड कलर में टर्न हो गए तो आपका तेल जो है ज़्यादा गर्म हो चुका है। इस वजह से तेल को मीडियम टू लो फ्लेम में रख के इसको हमें फ्राई करना है। देखिए मेरे डोनट्स जो है अभी भी वाइट है, और यहाँ पे देखिए मेरे डोनट्स अच्छे से फूल रहे हैं और अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएंगे। बस हमें इसे अच्छे से ब्राउन कलर होने तक इसको हमें फ्राई करना होगा। देखिए मेरे डोनट्स जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल भी तैयार है। यहाँ मैं साइड में ऑलरेडी थोड़े से डोनट्स को फ्राई करके रखी हूँ, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ये रहे मेरे परफेक्ट डोनट्स। इसको और बड़े शेप भी दे सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे छोटे शेप में ही रखी हूँ। बड़े शेप के भी मैं एक दो बनाई थी लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई। बड़े बड़े शेप वाले डोनट्स भी मैं बनाई हूँ, बस ये मैं छोटे शेप के ही यहाँ पे रखी हूँ। डोनट तो बनकर तैयार है, बस अब हमें इसे डेकोर करने की बारी है। तो यहाँ पे मेरे पास वाइट चॉकलेट था और ब्राउन चॉकलेट था, मैं इनको दूध डाल के इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पे मेरे दूध में मेल्ट नहीं हो रहे थे तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर दी थी तो वो अच्छे से मेल्ट हो गए थे। और तीसरा जो है यहाँ पे मैं शुगर पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। जो शुगर था घर पे उसको मैं पाउडर शेप में दे दी हूँ मिक्स कर ग्राइंड करके, और उसे यहाँ पे मैं ऊपर से डेकोर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास रेडी शुगर पाउडर हो तो वो भी इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं हो तो घर पर जो शुगर है उसका पाउडर बना के इसे ऊपर से डेकोर कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लग रहे थे मुझे। बस ये ध्यान देना है जो डोनट्स गरम गरम रहते हैं ना उसके ऊपर ही इस शुगर को ऐड कीजिए, तभी शुगर जो है उसमें अच्छे से उसमें अच्छे से बैठ जाएगा।
ये देखिए मेरा चॉकलेट भी रेडी है, अब मैं इसमें डोनट्स को डिप करूंगी। तो ये मेरा सेकेंड डेकोरेशन रेडी हो गया। यहाँ मेरे बन गए चॉकलेट डोनट्स, फर्स्ट वाला जो था शुगर डोनट्स और ये थे चॉकलेट डोनट्स। थर्ड जो था वाइट चॉकलेट्स, मैं इसे डेकोर करने जा रही थी लेकिन वो कलर जो उतना प्रॉपर नहीं बना था, तो मैं इसको जो कलर था उसी में ही इसको डिप करके मैं थर्ड शेप दे दी हूँ, मतलब थर्ड डेकोरेशन कर दी हूँ। और उसके ऊपर जो है मैं यहाँ पे वाइट के ऊपर चॉकलेट से थोड़ा और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, इससे वे और भी अच्छा डेकोरेटिव लगेगा। तो जी बस मेरे पास जो था उससे मैं यहाँ पे डेकोरेट की हूँ। इससे पिंक शेप में भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं ट्राई की हूँ लेकिन वो उतना नहीं हो पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मुझे अब आइडिया मिल गया है तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे बनाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो फिर जी मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।